तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं WWE के ड्राफ्ट 2021 के बारे में। और गाइस इस वीडियो के अंदर हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं ड्राफ्ट 2021 के प्रेडिक्शन। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हुई, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो इस बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि भाई ड्राफ्ट पर प्रेडिक्शन वीडियो लेकर आओ तो हाँ, मैं जल्द से जल्द लेकर आ रहा था, कोशिश कर रहा था, तो खैर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ड्राफ्ट की पिक होने वाली यहाँ पर से बॉबी लैशली, और इस मंडे नाइट रो से पिक होने वाले हमारी ऑलमाइटी WWE चैंपियन बॉबी लैशली एंड उनके साथ उनके मैनेजर यानी कि MVP। और गाइस यहाँ पर से बॉबी लैशली आई थिंक समर स्लैम से पहले ब्रॉक लेसनर नहीं आएंगे, ऐसे रूमर से आई थिंक ये सच होते तो खैर यहाँ पर से होंगे हमारे ड्राफ्ट बॉबी लैशली एज ए WWE चैंपियन विद MVP। सेकेंड पिक होने वाली स्मैकडाउन की ओर से गाइस हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, और भाई रोमन रेंस रिटेन करने वाले अपने ब्रांड स्मैकडाउन को उनके साथ उनके मैनेजर यानी कि पॉल हेमन, स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस होने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट। और आई थिंक जो रोमन रेंस है वो हो सकते हैं स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट, क्योंकि ये जो है आसानी के भाई रोमन रेंस जो है स्मैकडाउन को जोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। बट नेक्स्ट वीक होने वाले मंडे नाइट रॉ की ओर से वो होने वाले एक टैग टीम की जो कि होने वाली हमारे RK Bro यानी कि रिडल एंड रैंडी ऑर्टन की। और गाइस इन दोनों की टीम की पिक हमें दिखाई दे सकती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और गाइस रैंडी ऑर्टन हमारे रिडल फिर से एक बार रिटर्न कर सकते हैं अपने ब्रांड यानी को मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और गाइस वो ड्राफ्ट होंगे रॉ के ऊपर। बट नेक्स्ट ड्राफ्ट आता है स्मैकडाउन की ओर से, और गाइस यहां पर जो सेकंड ड्राफ्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारे केविन ओस का। और गाइस केविन ओस आई थिंक फिर से एक बार अपने ब्रांड यानी स्मैकडाउन के ऊपर स्विच हो से होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। और गाइस केविन ओस फिलहाल आई थिंक स्मैकडाउन के ब्रांड के ऊपर हो सकते हैं ड्राफ्ट। और गाइस आई थिंक उनके लिए कुछ अच्छा WWE सोच रही होगी स्मैकडाउन के ऊपर, इसलिए उनको ड्राफ्ट करवाया जा सकता है। बट नेक्स्ट शॉकिंग पिक आती है यहाँ पर से मंडे नाइट रॉ की ओर से, जो कि होने वाले स्मैकडाउन से ड्राफ्ट हमारे नाइजीरियन अपोलो क्रूज। और भाई यहाँ पर से वो होने वाले हैं ड्राफ्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और भाई वो अपनी चैंपियनशिप नहीं लेकर जाएंगे। और गाइस यहाँ पर से हमारे अपोलो क्रूज आई थिंक मेन रोस्टर यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उनका ड्राफ्ट हो सकता है इस बार WWE के ड्राफ्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर। नेक्स्ट सुपरस्टार आता है स्मैकडाउन के ऊपर हमारे स्विस साइबोर्ग यानी कि सिज़ारो। और गाइस हमारे स्विस सुपरमैन सिज़ारो का भी हमें ड्राफ्ट दिखाई दे सकता है इस बार WWE के अंदर। और भाई सिज़ारो भी हमें इस बार स्मैकडाउन को अपने ब्रांड को रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनको जो है काफी अच्छी स्मैकडाउन के ऊपर की बुकिंग हो सकती है। नेक्स्ट सुपरस्टार आती है मंडे नाइट रॉ की ओर से, जो कि हो सकती है यहाँ पर से बेली। और गाइस बेली आई थिंक मंडे नाइट रॉ को रिटर्न कर सकती है, और भाई बेली को अब WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर बिठवा सकती है, क्योंकि स्मैकडाउन के ऊपर उनकी जो अच्छी खासी स्टोरी लाइन कुछ दिख नहीं रही, इसलिए उनको जो नेक्स्ट स्टोरी लाइन देने के लिए WWE रॉ पर उनको शिफ्ट करवा सकती है। बट नेक्स्ट रॉ आता है वो गाइस जाता है स्मैकडाउन की ओर से, और भाई मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार यानी कि फॉर्मर रॉ वुमेन चैंपियन आस्का हमें ड्राफ्ट होते हुए दिखाई दे सकती है इस बार स्मैकडाउन के ऊपर। और गाइस यहाँ पर से आस्का हमें स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि स्मैकडाउन के ऊपर उनके लिए अच्छी WWE स्टोरी लाइन प्रोवाइड करते हुए दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं वो आते हैं हमारे रॉ के टैग टीम चैंपियंस यानी कि WWE के टैग टीम चैंपियंस एज सैसन ओमस अपने ब्रांड यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्विच होते हुए दिखाई देंगे। और गाइस एज सैसन ओमस अपने ब्रांड मंडे नाइट रॉ को रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, और गाइस वही टैग टीम चैंपियनशिप लेकर इस मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देंगे इस बार ड्राफ्ट के अंदर। बट नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं वो आते हैं स्मैकडाउन एंड मंडे नाइट रॉ के ऊपर, दोनों के साथ ड्राफ्ट होगा। वो होगा यहाँ पर से टमीना एंड नटालिया का, और भाई यहाँ पर से जो है हमें टमीना एंड नटालिया वेमस की टैग टीम चैंपियंस है, वो जो है दोनों हमें फ्रेंड्स के ऊपर स्विच होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि उनके पास है वेमस की टैग टीम चैंपियनशिप। नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं वो आती है यहाँ पर से रॉ की वेमस चैंपियन यानी कि गाइस यहाँ पर से रिया रिप्ली मंडे नाइट रॉ के ब्रांड को रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस मंडे नाइट रॉ के ऊपर यहाँ पर से रिया रिप्ली रॉ वुमेन चैंपियनशिप पे जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रॉ वुमेन चैंपियन है, तो खैर वो रॉ के ब्रांड को रिटर्न करने वाली है। और ये जो नेक्स्ट पिक होने वाली इस बार ड्राफ्ट की होगी स्मैकडाउन की ओर से, और भाई स्मैकडाउन की रिटर्न करेगी उसके बाद बियांका ब्लेयर, और स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन बियांका ब्लेयर ही अपने ब्रांड स्मैकडाउन को यहाँ पर से रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी। बट खैर नेक्स्ट पिक होने वाली मंडे नाइट रॉ की जबरदस्त पिक जो कि होने वाली गाइस हमारे द रेडी रॉ सुपरस्टार है, और गाइस मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ सकते हैं हमारे द रेडी रॉ सुपरस्टार फाइनली एक बार वापस, क्योंकि स्मैकडाउन के ऊपर उनकी जो अच्छी खासी स्टोरी लाइन अब खत्म हो चुकी है, गाइस उनको जो है मंडे नाइट रॉ के ऊपर न्यू स्टोरी लाइन मिल सकती है। नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं स्मैकडाउन की ओर से हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर, और गाइस ड्रू मैकइंटायर के लिए स्मैकडाउन से एक बढ़िया रोस्टर हो नहीं सका, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनको जो सारी चीजें हो चुकी है, अब उनको जो है यूनिवर्सल टाइटल का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्मैकडाउन के ब्रांड के ऊपर, इसलिए वो आ सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं गाइस हमारे किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल एंड किशन्स की नाकामुरा, और भाई हमारे ऑफिशियल किंग नाकामुरा आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और गाइस यहां पर रिक बुक के साथ वो हमें मंडे नाइट रॉ के ब्रांड के ऊपर दिखाई दे सकते हैं, जो कि आज तक उन्होंने मंडे नाइट रॉ पर कभी अपना डेब्यू नहीं किया है। बट नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं स्मैकडाउन को रिटर्न करने वाले हैं स्मैकडाउन की ओर से होने वाले हमारे स्मैकडाउन के सेफ यानी कि सेथ रॉलंस, और स्मैकडाउन के मसाया सेथ रॉलंस अपने ब्रांड एंड को स्मैकडाउन को स्विच होंगे, और अपने ब्रांड एंड के स्मैकडाउन को वो जो है इस बार रिटेन हमें करते हुए दिखाई देने वाले। बट नेक्स्ट शॉकिंग पिक होने वाली है मंडे नाइट रॉ की तरफ से,
और गाइस रॉ वाले इस बार पिक करने वाले हैं कोई और नहीं बल्कि जो हमारे पावर पावर हाउस ऑफ पॉजिटिविटी यानी कि बिगी और गाइस पावर हाउस पॉजिटिविटी का भंडार बिगी को WWE ड्राफ्ट करा सकती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर जैसे रूमर्स है। हाँ बिगी को जो है मंडे नाइट रॉ के ऊपर डाला जा सकता है बट नेक्स्ट शोकिंग बिग होगी हमारे न्यू डे के सेवी रूट्स एंड कॉफी गैंगस्टर की जो को जा सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। और फिर से एक बार हमें जो है न्यू डे का इस बार रियूनियन नहीं देखने को मिल सकते क्योंकि इसके प्लान्स के जो कॉफी गैंगस्टर एंड सेवी रूट्स हैं वो हमें स्मैकडाउन पर भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट नेक्स्ट सुपरस्टार आते हैं हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन यानी कि शेमस जो कि अपने ब्रांड मंडे नाइट रॉ को स्विच करेंगे और मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो अपना जो है रिटर्न करने वाले एज अ चैंप और वेज मंडे नाइट रॉ के ऊपर शेमस एज यूएस चैंपियन अपने ही ब्रांड को यहाँ से रिटर्न करने वाले। बट नेक्स्ट मैकडाउन के ऊपर शॉकिंग पिक्स हमें दिखाई दे सकते हैं इस बार जो कि होने वाले गेस द रिटर्निंग सुपरस्टार द मैन पैकी लिंच की। और गेस पैकी लिंच हमें दिखाई दे सकती है इस बार स्मैकडाउन के ऊपर गेस मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनकी काफी अच्छी रॉमेंस चैंपियन एज अ स्टोरी लाइन काफी अच्छी थी बट आई थिंक अब स्मैकडाउन के ऊपर उनके लिए काफी न्यू स्टोरी जो है बिल्ड होती जा सकती है और गेस इसलिए जो स्मैकडाउन के लिए ब्रांड के लिए उनके लिए काफी अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती है। और गेस आई थिंक जो इसके बाद नेक्स्ट पिक होने वाली मंडे नाइट रॉ की ओर से वो होने वाली गेस उनकी मोस्ट टाइम फेवरेट यानी कि द क्वीन शार्लेट फ्लेयर। और गेस आई थिंक इस बार शार्लेट फ्लेयर होने वाले फिर से दोबारा से मंडे नाइट रॉ के ब्रांड के ऊपर ड्राफ्ट और गेस शार्लेट फ्लेयर इस बार मंडे नाइट रॉ को हमें रिटेन करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि शार्लेट फ्लेयर आई थिंक रॉ के साथ ही उनका जो अच्छा वर्क हो सकता है इसलिए शार्लेट फ्लेयर को WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर बिठवा सकती है। तो खैर शार्लेट फ्लेयर आई थिंक रॉ के ऊपर जा सकती है। बट गेस नेक्स्ट पिक होने वाले स्मैकडाउन की ओर से जो कि जबरदस्त पिक होने वाली वो होने वाले गेस कोई और नहीं बल्कि हमारे द फीड ब्रे वाइट। और गेस द फीड आई थिंक आ सकते हैं फाइनली स्मैकडाउन के ऊपर और गेस जो फीड ब्रे वाइट है हमें दोबारा से दिखाई दे सकते हैं स्मैकडाउन के ऊपर और गेस फीड रिटर्न कर आ सकते हैं सीधा स्मैकडाउन के ब्रांड के ऊपर और गेस जो फीड है वो अपना रिटर्न करेगी WWE के स्मैकडाउन के ब्रांड के ऊपर। और गेस यही थी फाइनल पिक आज की हमारी ड्राफ्ट 2000 के गाइस आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। बाकी आज की हमारी वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो बेटा कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ताकि हमारी पहली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतनी ही धन्यवाद।